तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसा कि हमने कल बात की थी, इसको जो है दिखाता हूँ आपको, इसके अंदर जो है क्या क्या यहाँ पर दिया गया है और क्या क्या जो है आप एक्सेप्ट करते हैं एक स्मार्टफोन के अंदर, वो बाद में आप कमेंट करके बता जरूर देना। इसके अंदर जो पीसीबी दी गई है उसका कौन सा डिपार्टमेंट क्या काम करता है, सीपीयू कहाँ होता है, रैम कहाँ लगी हुई होती है, और जो ग्राफिक आईसी है वो किधर होती है, नेटवर्क आईसी किधर होती है, चार्जिंग डिपार्टमेंट किस प्रकार से काम करता है, बैटरी किस प्रकार से चलती है, कैमरा वगैरह क्या क्या जो है सब कुछ यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों मेरा नाम राकेश और वीडियो को आगे शुरू करते हैं। दोस्तों ये हथौड़ा है, नॉर्मली जो है पुराना सा पड़ा था मेरे पास, इसी को यहाँ पर यूज ले लेते हैं। वैसे इसको मैंने तोड़ा तो नहीं, लेकिन डिस्प्ले निकालने की इसकी कोशिश की मैंने, जो कि टूट गई, कचरा हो गया। ग्लास की डिस्प्ले होती है, नॉर्मली आपके स्मार्टफोन के ऊपर लगी हुई है, लेकिन बाकी आगे का हिस्सा जो यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़े को रखते हैं साइड में। तो यहाँ पर जो है दो साइड से तो ये निकले हैं, और ये स्क्रू वगैरह जो है यहाँ पर एक रखा हुआ है और साइड में, और ये एक जो है ये सैमसंग का फ़ोन है, कि बताने से क्या फ़ायदा है, अंदर का हार्डवेयर सब में लगभग एक समान यहाँ पर होता है, ये आप देख लीजिए। तो देख लेते हैं अंदर, और पीछे इधर जो है यहाँ पर निकाल कर देखते हैं ये वाला हिस्सा। तो ये सब जो है आप देख पा रहे हैं, तो ये कि एंटीना के लिए यहाँ पर दिया जाता है। इधर भी जो है ये साइड में जो वॉल्यूम प्लस और माइनस की दी गई हैं, इसके लिए अलग से जो है यहाँ पर एक कनेक्टर है जो कि बेल्ट वाला है। इधर जो चार्जिंग सॉकेट होता है उसके लिए भी जो है सॉलिड यहाँ पर स्टील यहाँ पर लगाया गया है। और ये कैमरा का लेंस आप देख पा रहे हैं, ये फ्लैश लाइट का ग्लास जो है दिया गया है, जो कि पीछे इधर बाहर आपको नॉर्मली दिखता है। अब बात कर लेते हैं इसकी, इसके अंदर जो है क्या क्या यहाँ पर होता है। तो नॉर्मली आप देख पा रहे हैं ये तो हो गई इसकी बैटरी, और बैटरी को जो है थोड़ा सा मैं यहाँ पर निकालने की कोशिश करता हूँ, अगर निकल पाती है तो किसी चीज़ से देखता हूँ, अगर कुछ मिलता है तो मुझे निकालने के लिए कुछ स्क्रू ड्राइवर यहाँ पर चाहिए, तो देखते हैं क्या मिलता है। ठीक है, कुछ मिल गया मुझे। बैटरी को जो थोड़ा सा उखाड़ कर देखते हैं निकल पाती है या नहीं। ठीक है, बैटरी तो यहाँ पर नहीं निकल रही है, लेकिन फिर भी जो है पीसीबी मैं निकालने की यहाँ पर कोशिश करूँगा। बैटरी का कनेक्शन जो है मैंने हटा दिया, और पीसीबी को बाहर निकालने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, पीसीबी शायद निकल जाए बाहर। यहाँ पर एक स्क्रू लगा हुआ है, अगर आपके पास भी ऐसा कोई पुराना फ़ोन अगर पड़ा है, ख़राब है, तो आप उसे खोल कर देख सकते हैं, तोड़ फोड़ कर देख सकते हैं, अगर उसका कुछ भी यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो जैसा कि मैं लगा हुआ है यहाँ पर, ये स्क्रू तो यहाँ पर खुल नहीं रहा है, तो हमें तो तोड़ फोड़ना है इसको, ये पहले से मतलब ख़राब तो इसको कर ही दिया। और ये एक एंटीना के लिए जो है कनेक्टर दिया गया है, ये एंटीना कनेक्टर होता है, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये वायर होता है, दोनों तरफ से इसमें कनेक्शन होते हैं। ये होता है चार्जिंग कनेक्टर अंदर की तरफ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पर हम चार्जर कनेक्ट कर देते हैं। ये माइक्रो यूएसबी है, साथ ही यहाँ पर बैटरी है। तो मैं आपको कुछ और यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये और तो खुल नहीं रहा है, तो ये कुछ यहाँ पर कवर वगैरह किया हुआ है, इसको खोलते हैं। ये वाला कौन सा डिपार्टमेंट है, ठीक है, इसके अंदर एक पावर आईसी यहाँ पर लगी हुई है, साथ ही जो है इसमें एक चार्जिंग आईसी भी यहाँ पर दी गई है, छोटी सी, अगर आप देख पा रहे हैं तो पावर आईसी के साथ एक छोटी सी चार्जिंग आईसी आपको यहाँ पर दिख रही होगी। दूसरा डिपार्टमेंट यहाँ पर हम खोल लें इसका, ये वाला, इसके अंदर क्या निकलेगा पता नहीं, जो भी है देखते हैं खोल के। और तीसरा डिपार्टमेंट भी खोल लेते हैं इसका, सारा का सारा डिपार्टमेंट जो है एक ही जगह यहाँ पर दिया हुआ है, सबको खोल लेते हैं, इसको भी खोल लेते हैं, इसको भी खोल लेते हैं, सब खुल गए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर यहाँ पर नेटवर्क आईसी लगाई गई है, नेटवर्क के कैच कराने के लिए 4G VoLTE की आईसी यहाँ पर दी गई है, और साथ ही कुछ इसको पावर देने के लिए जो है सहायक पावर दी गई है, कुछ यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस वगैरह ट्रांजिस्टर वगैरह लगे हुए हैं। और ऊपर के डिपार्टमेंट में आते हैं तो यहाँ पर एक सैमसंग का सीपीयू लगा हुआ है, साथ ही जो है काफ़ी सारे और भी कंपोनेंट है। यहाँ पर जो है कैमरा है, कैमरा भी जो है सीपीयू से कंट्रोल होता है, लेकिन कैमरा के लिए जो है अलग से यहाँ पर एक आईसी लगाई गई है। अगर ये छोटी सी आईसी आप देख पा रहे हैं तो इस स्क्रू ड्राइवर के नीचे ये वाली आईसी कैमरा को कंट्रोल करती है, और ये आईसी जो है इसके नीचे वाली ये टच को कंट्रोल करती है। वैसे जो है इसके अंदर एक डिस्प्ले वाली आईसी भी यहाँ पर है, तो हाँ ये रही, ये डिस्प्ले को कंट्रोल करती है ये वाली आईसी, तो ये डिस्प्ले आईसी हो गई। उसी प्रकार से सारा डिपार्टमेंट यहाँ पर काम करता है। और जो स्पीकर्स यहाँ पर लगे हुए हैं उसकी आईसी यहाँ पर कौन सी होगी, ठीक 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 ओके, इसके लिए आईसी ने यहाँ पर जो है 3, 4, 5, 6, 7 जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस दिए गए हैं। तो ये भी जो है पावर और सीपीयू से डायरेक्ट कंट्रोल हो जाते हैं, ये सीपीयू का ही कमाल है। तो कुछ इसी प्रकार से जो है आपके एक स्मार्टफोन के अंदर इस प्रकार का पीसीबी सेटअप होता है। चार्जिंग में आप चार्जर लगाते हैं,
पावर डायरेक्ट जो है चार्जिंग आईसी के पास आती है और कुछ पावर जो है सीपीयू को भेज देती है जिससे हमें डिस्प्ले पर दिखाई देता है और कुछ पावर जो है पावर आईसी को भेज देती है। पावर आईसी जो है बैटरी कनेक्टर जो यहाँ पर लगा हुआ है यहाँ पर भेज देती है और बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार से पूरा का पूरा डिपार्टमेंट काम करता है। अगर इसके बारे में मैं और ज़्यादा आपको जानकारी दूँ तो उसके लिए मुझे एक अलग से वीडियो यहाँ पर बनाना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए तो कमेंट में बताना ज़रूर और आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा वो भी जो है कमेंट में बताएं ज़रूर। दोस्तों कोई सवाल है कोई सुझाव है तो कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।